नमस्कार दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने किसी शुभ कार्य को शुरू करते समय भगवान श्री गणेश का नाम ना लें। इसीलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए एक मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं अपने इस कार्य को प्रारंभ करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, जय श्री गणेश। दोस्तों, 2012 से मैं अपनी वेबसाइट को रन कर रहा हूँ जो कि है sandybook.in। इस वेबसाइट को अगर आप देखें तो इस पर बैंक एग्ज़ाम, JEE, कैट, डिफरेंट टाइप्स के ई लर्निंग्स क्विज वगैरह मैंने डाले हुए हैं और इसके साथ साथ एक डायरेक्टरी के अंदर मैं एक आर्टिकल्स वगैरह की वेबसाइट्स भी रन करता हूँ जो कि है sandybook.in। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ हेल्थ आर्टिकल्स हैं, मैसेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वेबसाइट पर हैं और ये वेबसाइट अभी रन कर रही है, बिल्कुल स्मूथली रन कर रही है। इसे मैं लगभग 10 साल से होस्टगेटो पर रन कर रहा था, जिस पर मेरे को जो होस्टिंग प्लान था वो बहुत ही महंगा पड़ रहा था और मुझे इतने स्पेस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने उनको कई बार बोला कि मुझे एक सिंगल डोमेन होस्टिंग दे दीजिए, लेकिन उनके पास शायद सिंगल डोमेन होस्टिंग नहीं थी, उन्होंने मेरा प्लान चेंज नहीं किया। तो मजबूरन मुझे होस्टगेटर से अपनी वेबसाइट को किसी और होस्टिंग अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो कैसे मैंने अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र किया वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो मेरे जीमेल अकाउंट पर 16 दिसंबर 2022 को मेरा होस्टिंग प्लान एक्सपायर हो गया है और जब मैं इसको रिन्यू करने जाता हूँ तो ये देखो, ये मेरा होस्टिंग प्लान है, मल्टी लेवल होस्टिंग मैंने ली हुई थी। अगर मैं इसको रिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो लगभग 5700 रुपये दिखा रहा है मेरे को, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इतने स्पेस की आवश्यकता नहीं है, तो कोई ऐसी वेब होस्टिंग सर्विस जिससे मेरी वेबसाइट भी रन होती रहे, मेरे को अपनी वेबसाइट को किसी ऐसी होस्टिंग पे ट्रांसफ़र करना था जिस पर मैं ज़्यादा पैसे ना खर्च करके साल का थोड़ा बहुत दूँ, जैसे इस पर लगभग 6-7 हज़ार रुपये के आसपास मेरे लग रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया और मुझे एक वेबसाइट मिली, ये आप देख सकते हैं, vn.com। इस पर मैंने अपना अकाउंट बनाया और अपने डोमेन को इस पर रजिस्टर किया और मेरे को जो सालाना पड़ा वो लगभग $10 फीस, यानी कि लगभग 800-850 रुपये के आसपास मेरे को पड़ा, जिसमें मेरे को 30 GB के आसपास मेरे को स्पेस मिल गया। ये देखो, मैंने जो बाय किया है वो मेरा वेब होस्टिंग प्लान है और ये अभी एक्टिव है और ये 2023 तक मेरे को मेरी वेबसाइट को रन करेगा। इस पर मेरे को 30 GB स्पेस मिल रहा है। तो आप भी अपनी वेबसाइट को किसी वेबसाइट को कहीं ट्रांसफ़र करना चाहें कि ज़्यादा पैसे ना खर्च करना चाहें तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये वेबसाइट आपके लिए, आप ये देख लें vn.com। एक साल के लिए मेरे को सिर्फ $10-10.5 के आसपास मेरे को पे करना पड़ा है, 800-850 रुपये मेरे लगे हैं। तो प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि अभी तो मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। इसका प्रोसेस क्या है, ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, आप अपने सी पैनल में आएंगे, सी पैनल को ओपन करेंगे। सी पैनल में आने के बाद आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में आना है। जैसे ही आप फाइल मैनेजर में आते हैं, आपकी मेन डायरेक्टरी होती है पब्लिक डॉट
अंडरस्कोर HTML, इसके अंदर ये है मेरी मेन वेबसाइट्स की फाइलें, ठीक है। इनको मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अभी आपको अपनी एक डायरेक्टरी जो कि ये है, ये तो मेरी मेन वेबसाइट चल रही है, और जो मेरी आर्टिकल वेबसाइट चल रही है वो sandybook.in/forward/latest-sms के नाम से चल रही है। तो इस डायरेक्टरी को मैं आपको अपने सब डोमेन पे ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या कुछ प्रोसेस होता है। तो इसके लिए मेरे को अपनी डायरेक्टरी ढूँढनी पड़ेगी, इसके अंदर ये रही, ये मेरी डायरेक्टरी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट की उस डायरेक्टरी में आ जाएं, फोल्डर बोल सकते हैं, और इन सारी फाइलों को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट ऑल। इसके बाद आप कंप्रेस बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंप्रेस बटन को प्रेस करेंगे, जिप फाइल और कंप्रेस फाइल कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगी फाइलें, और आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी। और जिप फाइल जो बन जाएगी तो उसको अपने कंप्यूटर में आप, ये जैसे ये आपको दिख रही है एडमिनिस्ट्रेटर जो जिप, इस एस टाइप की आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी, उस फाइल को आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से आप अपने कंट्रोल पैनल में आएंगे और यहाँ आप देखेंगे PHP एडमिन में आएंगे कंट्रोल पैनल के, और PHP एडमिन में आने के बाद आप देखेंगे कि आपका डाटाबेस, जैसे कि मेरा डाटाबेस इस नाम से है, तो इस सारे डाटाबेस की ये सारी फाइलें हैं। इसको मैं क्या करूँगा, चेक ऑल करने के बाद मैं इस डाटाबेस को क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। ऐसे ही गो करूँगा, ये फाइल मेरी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो अपने पास दो मेन फाइलें आ गई, एक जिप फाइल जिसके अंदर आपकी वेबसाइट की सारी डायरेक्टरीज, फ़ोटो वगैरह, सारे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हैं, और दूसरा आ गई आपको आपकी SQL डाटाबेस की फ़ाइल, ठीक है। इन दो फाइलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जब आप अपने वेबसाइट को किसी दूसरे डोमेन या दूसरे होस्टिंग अकाउंट पर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये दो फाइलें आपकी डाउनलोड हो जाएंगी, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको अपने ही एक सब डोमेन पर ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ कि मेरा अपना ही सब डोमेन बनाकर, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, प्रोसेस सेम रहेगा। तो पहले मैं एक अपना सब डोमेन बना लेता हूँ। कोई भी आपको अपनी लाइव साइट पे मेरी लाइव, देखो ये मेरी साइट चल रही है, इसमें कोई वो नहीं है, मैं अपनी लाइव साइट में आपको ये सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ऑल लिंक्स आर वर्किंग फाइन, ये देखो सारे ही लिंक वेबसाइट के ठीक तरह से चल रहे हैं ट्रांसफ़र होने के बाद, एवरीथिंग यस, सारी वेबसाइट मेरी ऑलरेडी चल रही है। तो मैं अभी इसी वेबसाइट का एक सब डोमेन बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ ये मेरे डोमेन्स हैं, मैं एक डोमेन क्रिएट करता हूँ, जैसे कुछ भी कर लेते हैं अभी क्रिएट, हम जैसे हम कर लेते हैं एक आर्टिकल्स, एक मिनट छोटे उसमें करते हैं RTICLES articles.sandybook.in, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी पूछ रहा है, मैं यहीं रहने देता हूँ इस डायरेक्टरी को और सबमिट कर देता हूँ, जिससे कि मेरा एक सब डोमेन बन जाएगा। ये थोड़ा समय लेगा, ये देखो मेरा एक सब डोमेन बन गया है articles.sandybook.in। मैं तो अपने डोमेन से अपने सब डोमेन पे ही वेबसाइट को ट्रांसफ़र करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने किसी और होस्टिंग अकाउंट से किसी दूसरे होस्टिंग अकाउंट पे ट्रांसफ़र करते हैं, और आपका डोमेन जैसे कि किसी और होस्टिंग पे चल रहा है, या गोडैडी पे, विग्रॉक्स पे, या कहीं भी चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डोमेन के
DNS चेंज करने पड़ेंगे उस होस्टिंग अकाउंट्स के आधार पर, क्योंकि जब मैंने अपना ये होस्टिंग अकाउंट बनाया था, मैं आपको अपनी जीमेल पर दिखाता हूँ, तो मुझे कुछ सर्वर नेम्स यहाँ मिले हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो सर्वर नेम मेरे को व्यूवन की वेबसाइट से मिले हैं, जो कि मेरा नया होस्टिंग अकाउंट है, उन्होंने मेरे को ये सर्वर डिटेल्स दी हैं। तो ये सर्वर डिटेल्स मेरे को अपने पुराने होस्टिंग अकाउंट पर डालनी पड़ी। कहाँ डालनी पड़ी मैं दिखाता हूँ। ये देखो, होस्ट गेटर से ही अभी मेरा डोमेन चल रहा है। मैंने वेब होस्टिंग नहीं लिया, लेकिन मेरा डोमेन अभी भी होस्ट गेटर पर ही है। तो मैंने अपने यहाँ होस्ट गेटर के डोमेन्स को चेंज करके यहाँ मैं नेम सर्वर में आया और मैंने ये दोनों ही यहाँ अपडेट कर दिए हैं। यानी कि होस्ट गेटर के अकाउंट पर मैंने अपने नए होस्टिंग अकाउंट से जो भी मुझे मिला सर्वर डिटेल्स, वो मैंने होस्टिंग अकाउंट पर यहाँ नेम सर्वर के अंदर डाल दी है, जिससे कि ये मेरा डोमेन जो कि होस्ट गेटर पर है अभी उनके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा है अभी उनके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डिटेल्स जो है मैंने इनकी डाल दी हैं। तो ये काम आपको और करना पड़ेगा। चलो हम फिर से चलते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये articles.sandybook.in है, अभी इसमें कुछ नहीं है, अभी ये ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं चल रहा है। articles.sandybook.in जो अभी हमने सब ये जो सब डोमेन बनाया है, ये अभी हमारा नहीं चल रहा है। इस और इस होस्टिंग प्लान में हमें SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है। हम देख लेते हैं, एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं कि जो हमने अपना सब डोमेन बनाया है उस पर भी SSL आ गया है या नहीं। हाँ, आ चुका है। ये ऑटोमेटिक SSL ऑटो SSL भी आपको मिल रहा है सिर्फ 850 रुपये की सालाना होस्टिंग में। ये देखो, मेरे जो सब डोमेन्स हैं वो भी अभी सिक्योर एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ अभी दिखा रहा है नॉट सिक्योर। जैसे ही मैं https://// लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, ये देखो ये आ गया सिक्योर कनेक्शन। तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट भी मेरे सब डोमेन पर एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने का। यानी कि जो वेबसाइट मेरी अभी चल रही है sandybook.in/latest-sms, या लेटेस्ट SMS पर, यानी कि मेरे मेन डोमेन की ही एक डायरेक्टरी पे ये मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है और ये चल रहा है। इससे मैं यहाँ articles.sandybook.in पर ट्रांसफ़र करके आपको कंप्लीट चला के दिखाता हूँ। तो फिर से हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। ये मेरी डायरेक्टरी है मेन में, क्योंकि public.html मैंने नहीं डाला था अंदर लिंक, मैंने बाहर ही डायरेक्टरी बना दी थी। उसको हम खोलते हैं और यहाँ से अपलोड करते हैं। फाइल्स आई थी उनको हम यहाँ अपलोड कर देंगे। यहाँ मेरी फाइलें पड़ी हुई हैं। जैसे ही वो जो डाउनलोड फाइल्स हैं, आप यहाँ इनको अपलोड कर देंगे, तो मुझे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ये एड्रेस में कॉपी कर लेता हूँ, और मेरा तो सेम ही सर्वर पे है, किसी और सर्वर से नहीं आना है, आपको अपलोड करनी पड़ेंगी वो फाइलें। मैं क्या करता हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए मैं इन सब फाइलों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप दो चीज़ें सीख रहे हैं। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस फाइल को आप अपलोड करेंगे जो आपने फाइलें ये डाउनलोड की थी, लेकिन मेरे सेम सर्वर पे हैं, मेरे को किसी और होस्टिंग अकाउंट से नहीं लेके आना है, क्योंकि मैं आपको एक सब डोमेन पे ही ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ। तो इस कारण से मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ मैं एड्रेस डाल देता हूँ,
मेरी इस डायरेक्टरी का, क्योंकि वो बाहर है, कॉपी फाइल्स। ठीक है, जब तक फाइल्स कॉपी होती हैं हमें एक काम और भी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वेबसाइट के मेन डाटाबेस के अंदर कुछ छेड़खानी करूं और मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके लिए मैं अपनी मेन साइट के डाटाबेस में छेड़खानी ना करके उस डाटाबेस को एक नया डाटाबेस बनाते हैं और उसके अंदर उसको इंपोर्ट कर देते हैं जो SQL फाइल हमने डाउनलोड की थी डाटाबेस की, तो वो फाइल हम कर देते हैं। इसमें कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, इसको करने देते हैं और देखते हैं। राइट क्लिक करके मैं वी पैनल दोबारा खोल लेता हूँ और यहाँ मैं MSQL ये विजार्ड्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। अभी मान लो कि आर्टिकल ही लेते हैं, ARTICLES छोटे में लेते हैं, ARTICLES आर्टिकल्स। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक नया डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। आर्टिकल्स पासवर्ड जो है हम रहने देते हैं। यहाँ भी हम यूज़र भी ARTICLES सेम ही रख लेते हैं और पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी। मैं क्या करूँगा, मैं इस सब डोमेन को बाद में डिलीट कर दूँगा क्योंकि मुझे ये चलाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है और फिर से हम रिटर्न टू डाटाबेस जाते हैं, MySQL databases, हम वापस जाते हैं और यहाँ आर्टिकल्स के नाम से हमारा डाटाबेस आ गया है। ऑलराइट, अभी हम अपना फोल्डर खोल के देख लेते हैं। इसके अंदर हमारी ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। जो लोग किसी दूसरे होस्टिंग अकाउंट से अपने डोमेन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनको अपने डायरेक्टरी में वो ज़िप फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। आपकी ज़िप फाइल यहाँ आ जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ये सारी फाइलें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, हमारी फाइलें अब आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम फिर से अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे, PHP एडमिन खोलेंगे। PHP एडमिन में हम अपना डाटाबेस देखेंगे। जैसे कि मेरा ये डाटाबेस जो मैंने अभी बनाया था इस वेबसाइट के लिए, वो है sandybook_articles। उस पर हम क्लिक करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर पे क्लिक करके कि इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है डाटाबेस की। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले एक्सपोर्ट किया था डाटाबेस अपने पहले सर्वर से, अभी इसके अंदर हम अपने उस डाटाबेस को इंपोर्ट करेंगे। हम फाइल सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, ठीक है, और गो कर देंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ डाटाबेस इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही डाटाबेस इंपोर्ट हो जाता है उसके बाद हम फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा डाटाबेस यहाँ सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ये डिपेंड करता है आपके डाटाबेस के साइज़ और आपकी इंटरनेट स्पीड पर। मुझे लगभग 2 से 4 मिनट का टाइम लगा। हो सकता है आपकी इंटरनेट स्पीड
मुझसे ज़्यादा तेज़ हो, आपको कम समय भी लग सकता है, लेकिन ये डाटाबेस ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो डाटाबेस अभी ब्लैंक था, जिसमें एक भी टेबल नहीं थी, अभी यहाँ पर वो सारी टेबल्स आ चुकी हैं। 167 टेबल्स थी मेरे डाटाबेस में और वो सारी की सारी यहाँ इंपोर्ट होके आ चुकी हैं। अब हमने अपनी वेबसाइट की फाइलों को फाइल को अपलोड कर दिया है, हमारे डाटाबेस को भी अपलोड कर दिया है। अब हमारा काम आगे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब फिर से हम फाइल मैनेजर में आएंगे, अपनी वेबसाइट की वो डायरेक्टरी खोलेंगे जहाँ हमने फाइलें अपलोड की हैं, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन डॉट पी एच पी इस फाइल को हम एडिट करेंगे, और इसमें हमारा डाटाबेस जो का यूज़र नेम, पासवर्ड और डाटाबेस का यूज़र, उसको हम चेंज करेंगे, और उसके बाद फाइल को सेव चेंजेस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम बंद कर देते हैं, और लगभग हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने सब डोमेन का वेब एड्रेस टाइप करते हैं और देखते हैं आर्टिकल्स डॉट सैंडी बुक डॉट इन, जो कि हमने नया डोमेन बनाया था, क्या उस पर हमारी वेबसाइट ट्रांसफ़र हो चुकी है। यस, ये देखो हमारी वेबसाइट यहाँ खुल चुकी है, जो कि पहले सैंडी बुक डॉट इन फॉरवर्ड स्लैश लेटेस्ट SMS, ये देखो इस जगह है हमारी वेबसाइट चल रही थी, हमारी वेबसाइट यहाँ भी चल रही है। आप एड्रेस देख सकते हैं सैंडी बुक डॉट इन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लेटेस्ट SMS, और यहाँ आर्टिकल्स डॉट सैंडी बुक डॉट इन, जो कि हमारा एक सब डोमेन है। यहाँ हमारी वेबसाइट हमारे डाटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है। बस यही प्रोसेस है वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने का। आप अब किसी और सर्वर से आते हैं या अपने ही सर्वर पर आप अपनी वेबसाइट को अपने ही सब डोमेन पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इस तरह से आपने सीखा कि हम अपने ही वेबसाइट को अपने सब डोमेन पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और साथ में आपको ये भी पता चला है कि अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग अकाउंट पर हैं और उससे आपको अपनी वेबसाइट को लेके आना है, तो आप किस तरह से लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या कुछ नया लेके आते हैं आपके लिए। फ़िलहाल आप देख लीजिए, हमारी वेबसाइट यहाँ दोनों ही चल रही हैं।